क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई करना है हमें क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 336 है और 54 है, ठीक। अब देखिए सोल्यूशन क्या है हमारे पास। देखिए ये करने के लिए हमारा काम है सीधा सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालना, ठीक है ना। और वो जो निकलेंगे हमारे पास कौन से होंगे, प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे, और सबसे आसान है ये, ठीक है। देखिए 336 है और 54 है, तो 336 के हम क्या करें, फैक्टर्स निकालें, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, थ्री थ्री सिक्स के और 54 के क्या निकालें, फैक्टर निकालें। देखिए यहां पर अगर आप इसको चेक करेंगे, ठीक है, तो ये किससे हो रहा है, दो से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दो से डिवाइड इसको करेंगे, 16 इंटू टू करें 32 होता है, 1 और 8, ठीक है ना। 168 इंटू टू करें तो 336 बनता है, ठीक है। सिमिलरली फिर आगे आप जाएंगे, ये दो से फिर डिवाइड होगा, ठीक है ना। 2 इंटू 8 करें तो 2 इंटू 4 करें, ठीक है। फिर आगे से ये होगा, 2 इंटू 4 करें तो 2 इंटू 42, 2 इंटू 21, ठीक है, ठीक है, ठीक। ये हमारे पास निकले कौन से प्राइम फैक्टर्स, देखिए 2, 2, 2, 2, 3, 7, ये हमारे पास कौन से हैं, सारे प्राइम हैं, ये कौन से हमारे पास प्राइम है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए आप, तो 2, देखिए 2 से ही हो रहा है ना, 27 इंटू 2 करें, फिर ये 2 से नहीं होगा कि 3 से होगा, 3 इंटू 9 के तो 27, ठीक है। फिर 3 इंटू 3 किया, देखिए हमें 9 नहीं रुकना है यहाँ पर, हमें आगे लेकर चलना है, क्योंकि 3 हमारे पास प्राइम है लेकिन 9 हमारे पास प्राइम नहीं है, इसका मतलब आगे चलना है हमने, ठीक है ना। और फिर जब हमारे पास 3 बचेगा तो 1, जब मतलब लास्ट स्टेप में जब हमारे पास यहाँ 1 बचेगा ना लास्ट स्टेप में, तब हमने अपने प्रोसेस को क्या कर देना भाई, स्टॉप कर देना, ठीक है। 336 को हम कैसे लिखते हैं, 336 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू, देखिए 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 4 बार, 1, 2, 3 और 4 बार, ठीक। और 3 और 7 मल्टीप्लाई, 3 और मल्टीप्लाई 7, ठीक है। यहाँ हम लगा लेते हैं बीच में एक लाइन, ठीक है। और ये हो गया 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी तरह से हम 54 की करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे 54 की, ठीक। 54 में हमारे पास क्या क्या, 2, 3 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार, तो 2 1 1 टाइम है, और 3 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। 336 को हमने इस तरह से लिखा, बिल्कुल यही प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी आई है, ठीक है ना। जब नंबर के बीच में हम मल्टीपल डाल के लिखें तो उसका मतलब फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। और 54 की फैक्टराइजेशन ये वाली है, ठीक। अब देखिए एलसीएम क्या निकालना है, पहले एलसीएम किसका निकालना है, 336 और 54 का। देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए देखना है कि कॉमन जो है ना, जो कॉमन मतलब जो ऐसा नंबर जो इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 2 और यहाँ भी आप देखें 2, मतलब 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन आप देखें कि एलसीएम में कॉमन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बार कितनी बार आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 2 जो है वो 4 बार आ रहा है और यहाँ 2 जो है वो 1 बार आ रहा है, तो हम एलसीएम में कौन सा लिखते हैं, जो ज़्यादा बार आया हुआ होता है, ठीक है ना। तो कौन सा लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 वाला लिखेंगे, ठीक। उसी तरह से देखिए आप, 3 यहाँ भी है और 3 इधर भी है, 3 है ना, लेकिन एलसीएम में हम कौन सा लिखते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आया हुआ हो, ठीक है ना। तो मतलब 1, 2, 3, हम 3 बार इसको 3 को लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, 1, 2 और 1, 3, ठीक। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, बस 7, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 7, ठीक। इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, कितना आंसर आता है, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 से 3 आप करें 3, 48, 48 इंटू 3, 3 ज़ार 9, 9, 7 ज़ार 63, ठीक है ना। तो 48 यहाँ पे करते हैं, 48 इंटू 63, ठीक। तो 60 प्लस 3 इंटू 48, तो 8 से 6 करें कितना होता है, 8 6 48, 8 4 5 6 6 चौका 24, 4 कितने हो गए, 28, तो 2880 ये हो गया हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, और फिर इसको
इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। 8 तेरह कितने हो गए 24, 4 दो बज के, 4 तेरह 12 और दो कितने हो गए 14, 144। दोनों को प्लस करें तो 4 का 4, 8 4 कितने हो गए 12, 2 एक बज गया, 8 और 1 9, 9 1 10, 0 एक बज गया, 3024 आया हमारे पास, कितना आया 3024 आया, 3024 आया हमारे पास, क्या ये आया हमारे पास एलसीएम, ठीक। अब देखें आप एचसीएफ, एचसीएफ देखें 336 और 54 का, ठीक। बड़ी गौर से देखना आप एचसीएफ यहां पर कैसे करना है। देखिए यहां पर 2 है, 2 कितनी बार आया हुआ है, 4 टाइम आया हुआ है। यहां 2 देखें कितनी बार है, एक बार है। एचसीएफ में हमने कम से कम बार जाना है, कम से कम, और एलसीएम में ज्यादा से ज्यादा बार जाना है, ठीक है ना। तो एचसीएफ हमारे पास 2 कम से कम कितनी बार आया हुआ है इन ऊपर वाली और नीचे वाली में, एक बार आया हुआ, इसका मतलब 2 सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक। मल्टीप्लाई देखिए 3, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, ठीक है ना। तो कम से कम कितनी बार 3 आया हुआ, एक ही बार आया हुआ, कितनी बार आया हुआ, एक ही बार आया हुआ। बाकी आप देखिए 7, देखिए जो कॉमन नहीं है उनको लिखना ही नहीं है। एचसीएफ में आपके पास क्या होना चाहिए, कॉमन होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए और सबसे कम। देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, लेकिन 2 यहां एक बार आ रहा है, इसका मतलब एक वाला लिखेंगे। 3 यहां भी है और 3 यहां 3 है, लेकिन हम एक वाला लिखेंगे, कम वाला लिखेंगे, ठीक है ना, कि कम से कम कितनी बार आ रहा है। तो 3, ये 3 आया, तो 3 इंटू 2 करेंगे कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6। तो देखा आपने हमारे पास एचसीएफ कितना आया, 6 आया, एलसीएम कितना है, ये आया। अब हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन, ठीक है ना, क्या करनी है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या करना है, एलसीएम यहां पे आप देखें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम हमारे पास कितना है 3024, 3024 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ हमारे पास कितना है 6 आया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हमारे पास कौन से, 336 एंड 54, 336 एंड ये मल्टीप्लाई बीच में क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 4 का कितना होता है 24, तो दो बचे यहाँ से, 6 दूने 12 और दो कितने हो गए 14, 4 एक बच गया, लेकिन यहाँ 0 है तो मतलब पूरा 14 करेंगे, ठीक है ना। वो 6 तेरह कितना हो गया 18, देखो ये आया, इधर भी कितना आएगा, यही आएगा 181, दोनों को चेक करेंगे आप तो कितना आएगा, यही आएगा, ठीक है, ठीक है। ये कितना हमारे पास 4 है ना। तो देखिए 18144 ये आया, 18144, अब आप इसको चेक करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही आता है, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब ऐसे अगर हम करेंगे कैसे, दोनों बराबर आ गए ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर आ गया, इक्वल टू प्रोडक्ट टू नंबर्स हो गया। इसका मतलब ये होगा कि एलएचएस हमारे पास क्या हो गया, आरएचएस हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, आरएचएस हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट, ठीक है।